सो गाइस, ये बात तो आप भी जानते हो कि फ्री फायर की आईडी के अंदर अगर आपके पास एक अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन आपको देखो पहनाना नहीं आती है, ड्रेस कॉम्बिनेशन आपको पता नहीं चलता है कि इसको इसके ऊपर ये बेटर रहेगा, इसके ऊपर ये बेटर रहेगा, तो आपको देखो हर एक बंदा किक कर देगा। अगर आपकी आईडी के अंदर देखेगा भी नहीं, अगर आपका ड्रेस कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो आपके आईडी के अंदर रिस्पेक्ट भी नहीं करके उससे पहले आपको किक करेगा। क्योंकि ड्रेस कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज है भाई जिससे आप देखो बंदे का पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कैसा खेलने वाला होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा टॉप 5 बेस्ट ड्रेस कॉम्बिनेशन जो आपको देखो गेम प्ले में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे, आपका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा गोल्ड लेवल का कर देंगे। और ना देखो ये अगर आपके पास देखो 90% तो ये बंडल्स तो होंगे ही होंगे जो मैं दिखाऊंगा, 90% आपके अकाउंट के अंदर वैल्यूट के अंदर आसानी से निकल ही जाएंगे ये वाले बंडल। तो गाइस टेंशन नहीं लेने का, अपन बैठा है अभी आपके लिए सबसे अच्छे अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो। गाइस फाइनली बढ़ते देखो ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 1 की तरफ, बेस्ट ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 1 ये कौन सा होने वाला है मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस देखो उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो याद से कर लेना, क्योंकि ना देखो ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक आप मिस ना कर दो। तो गाइस फाइनली बढ़ते देखो कौन सी अपनी ड्रेस कॉम्बिनेशन होने वाली है। तो गाइस फर्स्टली आपको आना है अपने वॉल्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हेट आपको कौन सी पहननी है, देखो हेयर पहनना है, ठीक है। हेट वाले सेक्शन में आपको हेयर पहनना है, देखो ये रेड वाले हेयर आपके पास हो सकते हैं, देखो 90% बंदों के पास है ये वाले, तो आपके पास हो तो देखो इसका ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और नहीं हो तो भाई देखो अलग एक ऑप्शन है, आप कोई सा भी हेयर चूज कर सकते हो अपने लिए। बात कर ली जाए टॉप की, तो बंडित टॉप आपको पहनना है, ठीक है। बंडित टॉप तो आपके पास 90% बंदों के पास तो आसानी से मिल ही जाएगा, ठीक है। और ना पेंट की बात कर ली जाए तो देखो राइस स्टार वाली, जिसे देखो समीर बोस वाली पेंट भी बोला जाता है, यानी कुल मिला के देखो ब्लैक पेंट पहननी है आपको, देखो बैक में देख पा रहे हो। और ना नहीं हो ब्लैक पेंट, मतलब ब्लैक पेंट के अलावा आप ऑप्शनल में ये वाली पेंट भी आप आसानी से पहन सकते हो, ठीक है। बैक में दिखा रहा हूँ ये वाली, अगर आपके पास ये है तो भाई बहुत ज्यादा ऑसम लगेगी, और नहीं है तो ब्लैक पेंट आप आसानी से पहन सकते हो, ठीक है। सो गाइस फाइनली बात करेंगे तो शूज आपको कौन से पहनने, शूज आपके ड्रेस कॉम्बिनेशन पे कौन से जमेंगे इसमें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस फाइनली बात करें देखो शूज आपको कौन से वियर करके रखना है अपने इस कॉम्बिनेशन में, तो देखो देख पा रहे हो बैक में आप देखो व्हाइट और जो येलो शूज जो दिख रहे हैं ना, इस टाइप के कुछ पहनना है, ठीक है। अगर आपके पास हो तो पहन सकते हो, नहीं तो देखो कोई सा भी शूज पहन लेना ठीक रहेगा, ठीक है। मतलब चप्पल मत पहनना, ठीक, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो गाइस फाइनली बात करें देखो सेकंड नंबर के ड्रेस कॉम्बिनेशन की तरफ, तो गाइस ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 2 होने वाली है अपने देखो देखो हेड के अंदर आपको कौन सी हेड पहननी है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास देखो ये वाली हेड है तो भाई पहन सकते हो आप आसानी से, देखो ये बहुत रेयर बंदों के पास होगी ये वाली ड्रेस कॉम्बिनेशन। तो गाइस ये वाली हेड तो कोई दिक्कत नहीं है पहन लेना, और ना नहीं हो तो भाई देखो अगर आप देखो इस वाली देखो ये जो चोटी है ना मतलब इस टाइप के, ठीक है, जिसमें आपका देखो हेयर दिखे, बस हेयर दिखना चाहिए ऐसा कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। कोई सा भी आप देखो कोई सा भी हेयर यूज करो, लेकिन इसमें बाल तो दिखने ही चाहिए ऐसा बोलना चाहता हूँ। सेकंड पे होना चाहिए सनग्लासेस तो होने चाहिए, कोई सा भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। और ना थर्ड पे होना चाहिए भाई देखो मतलब जो चेस्ट के यहाँ कोई सा पहनना, देखो अगर आपके पास देखो पुराने जो टी शर्ट्स है ना जो मिले थे देखो देखो रैंक रिवार्ड्स पे, ठीक है, वो है तो भाई वो पहन सकते हो। और ना देखो पेंट भी ऐसी पहननी है, देखो मैंने बैग में पहना रखी है इस टाइप की कुछ, ठीक है, मतलब चड्डा टाइप पहना है। और ना देखो अब बात कर देखो सिंपल शूज जिसे बोला जाता है, ठीक है, इस टाइप के कुछ पहनने, जिसकी वजह से ना आपका ड्रेस कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा ऑसम लगेगा। तो फाइनली बढ़ते हैं ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले भाई आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे देखो ये स्टोरी टाइम वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने अपलोड कर लिया है, और ना बहुत ही मजेदार स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो भाई देख लेना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ना चेकआउट करो तो चैनल में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होने वाला है, चेकआउट कर लेना जल्दी से। अच्छा भाई लिटरली बताऊं ना तो मैं 10 बार देख चुका हूँ, फिर भी मेरे को इतना मजा आ रहा ना भाई वो स्टोरी टाइम देखने में, भाई देखो क्या ही तो बोलूं। अगर आप एक बार देखोगे भाई तो आप उसके फैन ही हो जाओगे। अभी टाइम हो तो अभी टाइम देख लेना, नहीं तो बाद में देख लेना याद से, ठीक है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उस स्टोरी टाइम वीडियो के अंदर, ठीक है। तो गाइस फाइनली बात करेंगे देखो थर्ड नंबर का जो ड्रेस कॉम्बिनेशन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 3 होने वाला है 80 या 90% बंदों के पास तो आसानी से मिल जाएगा। जैसे देखो आपको देखो ड्रेस कॉम्बिनेशन नहीं, इस टाइप का कुछ देखो ये जैकेट वगैरह होगा ना, इस टाइप के कुछ पहनना है, जैसे निंजा जैकेट जिसे बोला जाता है, व्हाइट ईगल और रेंजर नाम का, ठीक है। इन दोनों में से आपके पास कोई सा भी हो तो भाई पहना लेना, बहुत ही गोपी लगेगा आपके ऊपर। बस एक बार ना आपको देखो हाथ में शोइन लो भी गन तो रखनी ही रखनी है, ऐसा नहीं कि नहीं रखो तो भाई आपका देखो मैं बोल रहा हूँ देखो फिर आपको नूबी कह के बुलाएंगे। तो शोइन लो भी गन हो सके तो रखना, ठीक है, ज्यादातर हो सके तो। गाइस फाइनली बात करें देखो ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 4 की, कौन सी ड्रेस कॉम्बिनेशन होने वाली है जिससे आपका गेम प्ले ना बहुत ही गोल्ड लेवल का हो जाएगा। ये दो जो कॉम्बिनेशन होने वाली है ना भाई बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई दो कॉम्बिनेशन और देख के ही चले जाए। बेस्ट ड्रेस कॉम्बिनेशन नंबर 4 तो गाइस होने वाला है देखो अपने देखो वाइल्ड सेक्शन में आना है। तो इस ड्रेस कॉम्बिनेशन में आपको देखो ये वाला तो हेड होना ही चाहिए, देखो जोकर वाला बंडल जो होता है ना, ठीक है, इसमें हेड तो होना ही चाहिए ये वाला, ठीक है, मतलब ऊपर का तो होना ही चाहिए, ठीक है। और ना बात करेंगे देखो अगर आपको नीचे कौन सा पहनना है, अगर आपके पास देखो शुगर वाले टी शर्ट्स है ना, देखो शुगर वाले जिसे बोला जाता है, देखो मतलब हाँ मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो वाले टी शर्ट्स, ठीक है, ये वाला देख पा रहे हो बैक में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप के कुछ टी शर्ट्स है ना तो भाई पहनो, बहुत ही ज्यादा ओपी लगोगे आप आसानी से, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही, आपको कोई किक नहीं कर सकेगा और ना प्रो प्लेयर ही बुलाएगा। तो इस टाइप का कुछ देखो टी शर्ट है तो आप देखो पहन लेना, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ना मेरे को, मैं लिटरली बताऊँ ना तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखो इस टाइप का कुछ देखो एंकर वगैरह नीचे पहन सकते हो आप देखो टी शर्ट, ठीक है, बॉटम में टी शर्ट ऐसा पहन सकते हो, और ना देखो नीचे ऐसा कुछ पहन सकते हो, ठीक है। और ना शूज की बात कर ली जाए तो देखो सिंपल शूज भी पहनना है आपको, ज्यादा देखो
हाई हाई रेटेड वाले शूज़ नहीं पहना, देखो सिंपल मैंने पहना है, देखो बैग में आप देख पा रहे हो, इस टाइप के कुछ बोलना चाहिए। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो भाई यही पहना के खेलो, आपको बहुत ही मतलब इतना अच्छा लगेगा ना भाई, देखो आपको कोई नोके के नहीं बुलाएगा, बहुत ही ओपी लेवल का आपका देखो ड्रेस कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो फाइनली बात करें देखो फिफ्थ नंबर का ड्रेस कॉम्बिनेशन, फाइनली बात करें देखो फिफ्थ नंबर का ड्रेस कॉम्बिनेशन कौन सा होने वाला है, आपको देखो ये वाली हेड पहननी है, और देखो ये कॉम्बिनेशन ऐसा होने वाला है ना, देखो अगर आपको देखो गर्ल ड्रेल में अपने आई थी ये वाली हेड, ठीक है, तो इसको पहनना है, ठीक है, और उसके बाद ना देखो आपको मास्क कौन सा लगाना है, ये वाला हो तो भाई ये लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगेगा, ठीक है, और ना देखो नहीं हो तो भाई ग्लासेस लगा लेना, ग्लासेस ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, जिसे अपन चश्मे भी बोलते हैं, ठीक है, तो चश्मा लगा लेना अच्छा सा कोई सा भी, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और ना देखो अपने इंडियन मास्क तो लगाना ही लगाना है, और ना देखो टी शर्ट्स की बात करेंगे ना तो देखो आपको कौन सा लगाना है, देखो ये जो रीच वाला टी शर्ट्स है ना इस टाइप का कुछ पहनना, मैंने टोटली यूँ बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास देखो सिक्स शेप्स वाले दिखने जैसे ये जो टी शर्ट्स है ना इस टाइप का कुछ मतलब बॉडी है ना ये वाली हो तो भाई पहन लेना, और ना नीचे की बात कर ली जाए तो इसके ही देखो ये एंगल टाइप होते ना, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक में इस टाइप के कुछ चड्डे वगैरह, ठीक है, तो वैसे मेरा ओपिनियन बताऊँ ना तो देखो ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, अगर आपके पास ये वाला चड्डा है तो भाई पहन लेना, और ना बहुत ज़्यादा ओसम लगोगे, और ना मेरी साइड से बताऊँ ना देखो आपको चप्पल ही पहनना है लास्ट वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा, और ना देखो देख सकते हो भाई कितना ओसम लग रहा है, बस ये कलवा आइटम नहीं होता तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो गाइस मेरा ओपिनियन बताऊं तो ये वाला ड्रेस कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ना ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा ओपी लगा मेरे को, आपको कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, कौन सा अच्छा लगा बंडित वाला बताना मेरे को, बंडित वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, और ना आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ना एक बार और याद दिला देता, अपने चैनल पर आ चुका है एक स्टोरी टाइम वीडियो, भाई बहुत ही ओपी लगा मेरे को, 10 बार देखा है तो भी मेरा मन नहीं कर रहा है भाई कि उसको छोड़ के जाऊँ, बहुत ही ओपी हो गया, मतलब बहुत ओपी वीडियो है, ठीक है, जाके देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, और देखो चैनल में भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 10,000 सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा करीब है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और ना मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।